इल्लुमिनाटी। ये अपने पालघर के रास्ते में कितना पड़ता है? देखो ऑल्टो को इसने क्या मेंटेन किया यार, लोग के लिए ओल्ड गोल्ड है भाई। 1 किलोमीटर यला 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 बुशा बेटा, जा सकता है तो चले जा। मैं तुमको कितना अमाउंट बोला मुझे नहीं मालूम, जान सुनना मेरी बात। अरे हमारा कैप्टन कहाँ गया? ए बुशरा क्या कर रहे तुम? ये क्या पानी कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, लेंस खराब हो जाएगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम, केमन आचो, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश है मदीद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ट्रिप विद कान्या हबीबी। तो आज है इस होटल से चेकआउट और हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यार? उस जगह का नाम मेरे को बोलने ही नहीं आ रहा है, बम्बल इशू हो जा रहा है। बाकी हाँ जल्दी उठ गए, 6 बजे सात बजे निकलना था, 7:30 हो गया, हम नाश्ता करने के लिए बैठे हुए। व्यू देखो यार, हल्की सी बारिश और रेस्टोरेंट में कितना मस्त है। अभी तू रेस्टोरेंट ने हट, ये रेस्टोरेंट है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है बट सर्विस सब मेरे को नहीं पसंद आया सर्विस। यहाँ से ब्रेकफास्ट करते और निकलते हैं एंड टू पब्लिक। अब हम निकल गए एलपी के लिए, यहाँ से चेकआउट हो गया, एलपी जा रहे हैं जो कि 5.5 घंटे की जर्नी है और हम बहुत लेट चल रहे हैं। लेट सी कहाँ पर होते हैं क्या होता है, बट यार ये होटल में कभी नहीं आना, मतलब बहुत बेकार, मतलब प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, सर्विस अच्छी नहीं है और रात भर हम लोग सो नहीं पाए, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है। मैं अपने दोस्त को शोएब बोल रहे कि ना, मैं रात में अपने दोस्त को आवाज़ दे रहा था शोएब को, शोएब 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 बोल के, क्या मालूम साला रात में हिचकी ले लेके हालत ख़राब हो गई रहेगी उसकी। एल पी के रास्ते पर कितने सारे क्या कॉफ़ी के, ये कॉफ़ी टी कॉफ़ी टी के प्लांटेशन से हमारी बेगम का कहना है कि वहाँ जाते हैं, वैसे ही हम लेट चल रहे हैं एल पी के लिए, 1 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है और 5.5 घंटे का रास्ता है और उनकी उल्टियाँ ख़त्म नहीं होती यार। हंसो मत। हाँ तो पब्लिक मित्री, रास्ते में एक वाटरफॉल पड़ रहा था तो वो ड्राइवर ने बोले सर साइड सीन कर लो, अच्छा वाटरफॉल है, इसका नाम बाप रे बाप वलम जम कानम इल्लुमिनाटी, वही देखने के लिए उतरे। लेट्स सी। अरे तू का है? अरे यार बुशरा, ये अपने पालघर के रास्ते में कितना पड़ता है? वहाँ पे विलुम जम खानम तलम तलम तुरुम तुरुम सब है वहाँ पे। नीचे जा सकते हैं भैया, विलुम क्या नाम है इसका, विलुम जमकानम समथिंग भाई, वलन जमकानम वाटरफॉल हो गया, देख के निकलते अभी तक। उधर नो पार्किंग लिखा हुआ है, फिलहाल ना इतना दूर लगाया गाड़ियाँ। देखो ऑल्टो को इसने क्या मेंटेन किया यार, देखो इसको बोलते केरला की पब्लिक है। कार के ऊपर आया वेंटिलेशन लगा है, एक नंबर, इसको बोलते हैं मेंटेन करना, या हु मेंटेन किया है। देखो और एक अपनी ऑल्टो है, हम लोग सोचते सोच निकालने का कब पैसा बेचें उसको। इन लोग देखो, इन लोग के लिए ओल्ड गोल्ड है भाई, ये पूरा बैम्बू का जंगल है। पंचायत में यही काट के लेके आता ना, वो यूँ सटा करके लेके आता बोलते हैं, आगे से नोकीला रखना और आगे से नुकीला रखना, ठीक बाइक पे आ जाएगा ना, आई सर बीच में फंसा देंगे। हाँ हाय हाय एलपी, वी रीच्ड एलपी, यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है कुछ 15-20 किलोमीटर। यला 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 बुशरा, देखिए टैलेंटेड है मैं तो, 15-20 मिनट और लगेगा पहुँचने के लिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ना ब्रिज का, तो किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है ना तो एक साइड से गाड़ियों को रोक दिया जाता है, वहाँ से पहले गाड़ी आएंगी फिर यहाँ तक, यहाँ तब तक यहाँ साइड की गाड़ी रुकी रहेगी, फिर जब वो क्रॉस हो जाएगी फिर ये गाड़ियाँ, फिर ये यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ेगा। और हमारे मुंबई में बेटा जा सकता है तो चले जा, रुकने का नहीं। बहुत मुश्किल है यार मगर मस्त है, अच्छा है, मेरे को यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया, जिसको भी देख रहे ना
पता नहीं कौन है, कहाँ से आ रहे, किधर से, कुछ भी है, देख रहा है ना, स्माइल कर रहा है, अरे भाई अपना है तू वैसा दिन रात भी मिल रहा। हम लोग ले ले बनाना चिप्स, केरला चिप्स। हाँ क्या लेने गए? हर जगह बनाना ही तो है इधर, है ना? सब खा रहे हम लोग। विश मसाला टोमेटो, तीन वैरायटी लिए, प्लेन, स्वीट और टोमेटो। 400 रुपये किलो है भाई, फायदा भी हो जाता 200 रुपये का। She has given, he asked 400 rupees. She given 600 rupees. He returned 200 rupees. What if he has taken the amount? चल झुट्टी। तुमको मालूम था कि उसमें 600 है? हाँ तो फिर तुमको मैं कितना बोला देने को? तुमको कितना? सुनना मेरी बात, मैं तुमको कितना देने बोला? 400। तुमने कितना दिए? मैं गिनी नहीं, मैं जस्ट निकाल। वही तो मैं बोला, गिने क्यों नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे रखा हूँ मैंने तो तुम्हारी हिफाजत में है ना, वो तुम्हारा काम क्या है? लेकिन उन्हीं कितने? मैं क्या बोल रहा हूँ, वादो सुनो को। हाँ बोलो कि हाँ सॉरी गलती हो गई, मैं तुम ना दे फिर। गलती नहीं मानती है वे अपनी, ये बावरट कौन बोलेगा जैसे शादी कर लिया मैंने। हाँ ऐसा शादी हुई, ऐसा क्या ऐसा शादी हुई, ऐसा 10 दिन के अंदर सरा परा 10 दिन भी नहीं ना, सरा परा हो गया सब। बहुत चीज़ें थी जो करना चाहता था मैं, नहीं हो पाया ना खुशू। चला ओ भाई साहब, कितने रूम रहेंगे इसके अंदर? बैग दो पहले, ये हमारी हाउस बोट है। कहाँ है ये हाउस बोट लगी तुमको? ये हाउस बोट लगी नहीं थी। थैंक यू, वेलकम। बिस्मिल्लाह, बहुत तेरी हाउस बोट है। हाँ आपका वेट कर, लास्ट है। ओके क्या आईडी चाहिए? आईडी आधार। अच्छा यार ये देखो हाउस बोट हमारी, या होम एकदम। ये रूम है, मत ना ऐसा लग ही नहीं रहा हाउस बोट है ये, माशाल्लाह सही है यार, पैसा वसूल। लोग बोट के बाहर एकदम फ्रंट में आए हुए, ये देखो। अन्ना आपका नाम क्या है? रजी। अन्ना हमारे कैप्टन है, चले ऊपर आओ जी। क्या करेंगे छतरी लेके? बारिश में रुक सकते हैं। ओ वाओ, ये हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ का, ये पूरे रूम्स हैं यहाँ पे। चल एसी यहाँ पे टाइम टू टाइम चलता है हमने घर जैसा। शाम में 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, दैट्स इट। उसके अलावा अगर तुमने एक्स्ट्रा डिमांड किए बता देंगे तुम्हें। इधर पे बस हम लोग बैठे रहेंगे, टाइम पास करेंगे, चिल करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में। अभी एक बुलावा आया था लंच के लिए, लंच के लिए जा रहे हैं। व्यू देखो, बारिश हो रही है, बारिश। थोड़ा जोर से बोलने का, जोर से। हर तरफ पानी ही पानी, दिख ही नहीं रहा कुछ लैंड वैंड यहाँ से। तो गूगल
मैं सोच रहा गूगल मैप चालू करके देखो अपन एग्जैक्टली है किधर, है ना। ओके अब हाउस बोट में आए और मच्छी नहीं खाओगे तो क्या करोगे जनाब। फर्स्ट राउंड में हमने लिया है, अरे इसकी ऐसी की तैसी, हाँ गोभी की सब्जी, बीन्स की सब्जी, दही करी और सैलेड रोटी और ये फिश। यहाँ आओ, किधर है, खाना वाना खा लिए यार, अब बस चले रूम में थोड़ा सा काम करने के लिए। अरे हमारा कैप्टन कहाँ गया? चलो ऊपर, ऊपर चलो। अरे भाई काम 25 हो जाएगा, याल्ला भूसा गिरे तो की माँ का गिर गया तो गिर गया, एक ही बार गिरेगा, बार बार थोड़ी गिरेगा। आ जाओ पानी, पानी मेरे पेट में गया। किधर गया? पेट में। ये देखो हम लोग किधर, एज पे, एकदम एज पे। ए मुश्रा क्या कर रहे तुम? हवले हवले कामा करती, नहीं बोले तो सुनती नहीं। हमारा कैप्टन भाग गया, हम लोगों ने टेक ओवर कर ली। ये जो हमारी बोट है ये कोई सी नहीं है, ये लेक है, लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। यहाँ पे काफ़ी सारी मच्छियाँ पकड़ दी जाती है, लोग मच्छी वच्छी पकड़ते हैं याहूम ऐसे सब है बोलते हैं। और ये लेक 3 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसी में लोग बोट चला के पैसे कमा रहे हैं। यल्ला चलो जाने का, फोटो खींच के जाएंगे। फिर तुम अभी बोट को हिला रहे थे तो हिली कि नहीं हिली बोट? नहीं हिली। मैं कल ना इसको सोफे, मम्मी को वीडियो कॉल किया था तो मैंने इसको ऐसा किया तो ये सोफे से ही चली गई नीचे बाहर। अब बोलती मैं बोट हिलाऊंगी, बोली चाबी है क्या घुमा दिए? चाबी कैसा कोई उल्टी डाल सकता है यार, ये क्या पानी कैसे आ गया? कहाँ से आया पानी? ये तो कोने में से आ रहा है, देखो पानी भर गया बोट में। हम मालूम पड़ा, हमने रात को सो रहे थे, सुबह उठ के देखो बैंड पानी पानी। आज तो पब्लिक बोट रुकी भी है एक जगह पे जो गांव है, हर जगह यहाँ पे देखो हाउस बोट, हाउस बोट, हाउस बोट, हर जगह हाउस बोट है। भी गांव है यहाँ पे, ये वाला गांव है, इस गांव में जाना है जिसको भी शॉपिंग वॉपिंग करना है तो थोड़ा बहुत। और हमने वेयर किया है ट्रेडिशनल लुंगी, बस हमारी बेगम को फ़ोटो खिंचाने का स्किप कर, बाकी वापस आके चेंज करके फिर ही बाहर जाऊँगा मैं, ये पहन के तो नहीं जाने का। चल रहे क्या? हाँ पब्लिक, हम लोग गए थे बाहर, फोटोशूट वगैरह हो गया, कुछ सामान लेने के लिए वापस से बोट पे आया था। अरे बाबा रे बाबा, तो ये शायद से ना एक स्टॉप है हाउस बोट्स का, देखो हर जगह हाउस बोट्स रुक रही है। हमारी बीवी को यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फ़ोटो खींचने का था तो उसके लिए हमने ट्रेडिशनल पहने थे, बाकी तो सब बढ़िया है। ये हमारी हाउस बोट यहाँ, बट ये वाली देखो ना क्या मस्त दिख रही है यार, कुछ उल्लू अंदर डीजे वीजे लगा के फुल पार्टी वार्टी कर रहे हैं अंदर। तो पब्लिक ये हमारी हाउस बोट है, आज रात में यहीं खड़ी रहेगी रात भर, इसके लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्टॉप ऐसे हम लोग बाहर आए थे राउंड मारने के लिए। अन्ना का मच्छी पकड़ ले या हूँ, चटापटा मार, मेरे सामने ही दो पकड़ लेने। अन्ना तुम अभी यूट्यूब पे जाएगा? हाँ। चलेगा ना, चलेगा ना, पहले उसके लिए मच्छी पकड़ना पड़ेगा, मच्छी पकड़ेगा तो डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। मछली आप दो मिनट वेट करो, अभी मछली बड़ा मछली है, दो मिनट में मच्छी पकड़ेगा। तुम नेट फेंकेगा क्या? इधर देखो, अरे बाप रे, ठीक है ये मछली है, स्नेक नहीं है, ये अपना क्या बोलते हैं वाटर स्नेक है ना, ये वाटर स्नेक, स्नेक नहीं है, क्या बोले उसको, कौन सी मच्छी बोलते हैं आप, उधर क्या बोला हिंदी में क्या बोले, मेरे को बताओगे तो मैं बताऊंगा ना, ये मछली है
इसको वाटर स्नैक बोलते हैं बम्बई में। बाप रे, हम लोग व्लॉग बना तो जोश में आ गए, वो जाला ही लेके आ गए सीधा। अल्लाह अल्लाह देखो। अच्छा डालने से पहले मेरे को बता देना। ओके ले भाई, अन्ना की सेटिंग चालू हो गई। याहू में दम अन्ना का प्लान तो था नहीं इसका, मगर अन्ना जबरदस्ती लेके आ गया। बोलते 2 मिनटों को बड़ी मच्छी दिखाता हूँ तुमको। शाबाश। अभी दाल तो दी, अभी देखो निकालेगा निकलेगा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। डालना तो कुछ नहीं है, निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट। ओह छोटी छोटी सी मच्छी आ गई रिलीज, बड़ी बड़ी। ओह तेरेगी ने चिंगू पिंगू मच्छी आ गई है। आओ मैं दिखाऊं, ये छोटी छोटी, ये कौन सी मच्छी है यार ये? हाँ बट है वो, है कौन सी मच्छी? क्या कर रहे खा उसको ची, लेंस खराब हो जाएगा मेरा। दुमची पकड़ ली छोटी मच्छी। अरे बाप, ये दूसरी बड़ी मच्छियों की चारा है हाँ ये, है ना? इसको ही आप वापस डाल के मच्छी, बड़ा मच्छी पकड़ोगे? नहीं, नहीं, नहीं। बस यही खाओगे? ये छोटा है, अच्छा है खाने के लिए। कौन सा मच्छी है ये? इसका नाम ऐसा बोला वायम भाई, ये उसका ये मछली का नाम है। वो मच्छी ने तो वो दांत से उसको पकड़ा है तो वो जाली में फंसा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा जाल को वो। और वो और भी और बहुत सारी हाउस बोट आ रही। देखो कुवैत में भी इतने मच्छी पकड़ने के शौकीन है ना लोग, टाइम पास नहीं हो तो चले जा रहे मच्छी पकड़ के आवे। ऐसा फिशिंग रॉड तो उधर ऐसा रास्ते पे मिलता है, इधर बाहर टाइम पास करते फिर वापस अंदर चले जाएंगे इंशाल्लाह। एंड तो पब्लिक बाहर भटक भटक के आ गए। अरे ये देखो बुशरा, कैसा स्पाइडर है ये? गजब गजब चीज देखने को मिल रही है। हम लोग बाहर भटक भटक के आ गए, वापस जा रहे हैं रूम में, देखते क्या होता है। अभी मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम तो पब्लिक, अभी कितना बज रहा है मालूम है? 7:30 आई थिंक सो, 8 बज रहा है। तो मैंने यहाँ पे शिप में जो है आपकी हाउस बोट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कैंडल लाइट डिनर दिया जाता है, तो मैंने बुशरा से कहा था कि हमने वो लिया नहीं है तो अपना कैंडल लाइट डिनर नहीं। और मैं मतलब मैं बताना नहीं चाहता था, वो सामने से गधे का बच्चा सामने से बोल दिया, बट मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, बट हमने उसे लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था तो क्यों छोड़ा जाए। तो मैंने उसको बोला जस्ट रेडी हो जाओ, खाना खाने जाना है, बट उसको ये नहीं पता कि कैंडल लाइट डिनर है। लेट्स सी हर रिएक्शन। चलो मारो जल्दी से। इतना टाइम लगाते ना हालत खराब हो जाती है। कहाँ बैठेंगे? यहाँ पे क्या बोलते, कैसा लगा सरप्राइज? मजा आया? अलाउ अस टू एंजॉय दिस इवनिंग। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मास्टर।